Let's listen in first to Pakistan's Prime Minister Imran Khan. देखें हमने पुलवामा के बाद हिंदुस्तान को पूरी ऑफर की कि किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं पुलवामा में उनकी कैजुअल्टीज हुई और मुझे पता है कि लोगों को उनके लवाइकीन को कैसी तकलीफ पहुंची होगी क्योंकि यहां 10 साल से कुछ 70,000 कैजुअल्टीज हुई हैं और मैं 10 साल से कितने अस्पतालों में गया हूं और जिधर मैंने लोगों को देखा है बॉम्ब ब्लास्ट विक्टिम्स जिनके बाजू नहीं है टांगे नहीं है चल नहीं सकते आंखें नहीं है इससे मुझे पता है कि एक तो जो इस दुनिया से चले गए और दूसरा जो कि इंजर्ड हुए उनके ऊपर और उनके घर वालों पे क्या गुजर रही है जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहां से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी ना मेरे कंट्रोल में होगी ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूं कि जब हम तैयार बैठे हैं हमने आपको कहा कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर हम तैयार हैं।